जो ना ढाई अक्षरों में कैद किया जा सके, जो ना बड़ी सी बड़ी जंग में मिटाया जा सके, जिसका कानून ना जिंदगी पर चलता है और ना मौत पर खत्म होता है, किसी के लिए राहत, किसी की इबादत, किसी की चाहत और किसी के लिए बगावत, प्यार, त्याग, दीवानगी, नफरत, पाने और खोने की एक ऐसी अनोखी सच्ची प्रेम कहानी जो ना आज से पहले आपने कभी देखी होगी और ना सुनी होगी। ये कहानी कब शुरू हुई ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं 1994 में, जहां दिल्ली के एक कॉलेज के कैंपस में समीर और प्रेरणा अपने प्यार की दुनिया में बहुत खुश थे। लेकिन अचानक प्रेरणा के साथ कुछ अजीब और गरीब घटने लगा। एक अनजाना सा डर जिसने प्रेरणा और समीर दोनों की जिंदगी को तबाह कर दिया। समीर, 3 साल से हम लोग डेट करें, अगर तुम प्रपोज नहीं करोगे ना तो मुझे अबला नारी का क्या? शादी कर लो। शायद कुछ कमिटमेंट इश्यूज हैं इसके, इसलिए शादी नहीं करना चाहता। अरे यार, तुम लोग मरवाओगे मुझे एक दिन। अब चलो, लेट हो रहे हैं। चलो चलो, लेट्स गो। आजा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। Ah!
हेलो समीर, समीर तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, डरती कितना हो। कुछ नहीं हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट होगा या वोल्टेज का कुछ प्रॉब्लम होगा। वोल्टेज के चक्कर में लाइट फट गई। अच्छा मजाक मत करो यार तुम लोग, ये सीरियस बात है। समीर तू विश्वास करता है सब चीजों में? प्रेरणा देखो, अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, खाना मत खाओ, लेकिन आराम तो कर लो। और मैं हूं ना तुम्हारे पास, इनफैक्ट हम सभी लोग आज यहीं रहेंगे पूरी रात, ओके? अब सो जाओ, आराम करो और बिल्कुल मत डरो। ये जो भी मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये कोई कहानी वहानी नहीं है, ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है, मेरे दोस्तों की हकीकत, प्रेरणा और समीर की हकीकत। मुझे याद है मैं समीर से पहली बार कॉलेज में मिला था, समीर मुझसे सीनियर था, मैं फर्स्ट ईयर में था, वो फाइनल ईयर में था। पहले दिन से ही हम बहुत 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 करीबी दोस्त बन गए थे, हम एक ही ग्रुप में थे, प्रेरणा भी उसी ग्रुप में थी, प्रेरणा समीर की गर्लफ्रेंड थी, हमेशा हम एक साथ रहते थे, मस्ती करते थे, मजाक करते थे। लेकिन छुट्टियों के बाद समीर और प्रेरणा की लाइफ इतनी बदल जाएगी हमने कभी सोचा नहीं था। इस हादसे के बाद क्या हुआ प्रेरणा के साथ? दरअसल प्रेरणा बच तो गई थी लेकिन दहशत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। समीर और उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो छुपा हुआ डर किसका था और क्या चाहता था प्रेरणा से। प्रेरणा अब कैसा लग रहा है? चोट कैसे लगी मुझे? प्रेरणा क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, क्या हुआ? समीर मैं तो तुम्हारे साथ थी ना, हाँ। और मेरी आंख लग गई।
रोशनी, ये ठीक नहीं है। रिपाल, तुझे याद है ना, एक बार मैंने तुझे अपने बोर्डिंग स्कूल की कहानी बताई थी। समीर ने यही कहानी सुनाई थी मुझे। मेरे ख्याल से उसके स्कूल का, बोर्डिंग स्कूल का पहला दिन था जब ये हादसे शुरू हुए थे। हम सब में से ये सब सिर्फ उसने मुझे बताया था। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ था उसकी बातों पर। ऑब्वियसली मुझे लगा शायद फेंक रहा है, लेकिन बाद में जब ये सब चीज़ें होने लगी, आई हैड नो चॉइस बट टू बिलीव हिम। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बे? जा भाग, और रुकना नहीं जब तक लाइब्रेरी तक ना पहुंचे। फिर उसके बाद ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पे, और पे हाथ लाकर हमें इशारा करना है ताकि हमें यकीन हो जाए कि तूने अपना टास्क कर लिया। समझ गया? और अगर तू ये नहीं कर पाया तो तेरी पूरी साल तक रैगिंग होगी और कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। अब सोच ले, सारी रात डर से सोएगा या पूरे साल रैगिंग से मरेगा? मुझे नहीं लगता है कर पाएगा, देख कितना डरा हुआ है। डर तो लग रहा है। तुम लोग कुछ और करने के लिए बोलो ना, मैं कर दूंगा। क्यों डर लग रहा है? हॉस्टल के रेजिडेंट भूत से? जा।
हाय, मेरा नाम रोशनी है और तुम्हारा? मेरा? डरो मत, मैं किसी को कंप्लेन नहीं करूंगी। मेरा नाम समीर है। न्यू बॉय? हाँ, कल ही आया हूँ। इसलिए शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं पीटी टीचर की बेटी हूँ। और वो आदमी? वो हमारा केयरटेकर है, मधुर। हर रात यहाँ पर घूमता रहता है, कोई भी स्टूडेंट आउट ऑफ देयर बेड दिखे तो सीधा मेरे डैडी के पास, क्योंकि वो यहाँ के वार्डन भी है ना। थैंक यू वेरी मच, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गया। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। और ये फ्रेंडशिप एक सीक्रेट रहेगी, क्योंकि मेरे डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर घूम रही थी तो मेरी खैर नहीं। तो प्लीज तुम किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लगता है बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। मैं गेट नंबर 2 से निकल जाती हूँ और तुम मेन गेट से निकल जाओ। ठीक है, बाय बाय। इतनी रात को लाइब्रेरी में क्या करने गए थे? पढ़ने तो गए नहीं होंगे, तो क्या कर रहे थे वहां पे? बोलो। सर, मैंने कुछ आवाजें भी सुनी थी, ये किसी से बातें कर रहा था, वहां पर कोई और भी था। समीर, क्या ये सच है? और कौन था तुम्हारे साथ वहां पे? इधर उधर क्या देख रहे हो, बोलो। नहीं सर, कोई भी नहीं था। एक तो रात रात भर लाइब्रेरी में घूमते और ऊपर से अपने दोस्तों को बचा रहे। यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स। बोलो, और कौन था तुम्हारे साथ वहां पे? ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। Now go to your room. Go. स्कूल के बाद गार्डन में मिलना, ओके? बाय। हाय। थैंक यू, तुमने उस रात किसी को मेरे बारे में बताया नहीं। अरे बैठो ना। वैसे वो लड़के अभी भी रैगिंग करते हैं? हाँ, क्योंकि उस रात मैंने उनका टास्क नहीं किया ना, इसलिए। तुम मुझसे डरो मत और उनकी बात भी मत सुनो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड भी नहीं है। मेरा भी नहीं है, इसलिए शायद हम एक दूसरे के हैं। डील? डील। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन तंग करता है। तुम क्या करोगी? अपने पापा को मत बोलना। मैं क्यों बताऊंगी, तुम मत बताना। मैं किसी को क्या बताऊंगा, मैं तो यहाँ ठीक से किसी को जानता भी नहीं, और वैसे Thank you.
अरे ओ वीर समीर, किससे बात कर रहा है तू? किसी से नहीं। तू बहुत स्ट्रेंज है यार, यहाँ अकेले बैठ के किससे बात कर रहा है? ये झाड़ी से, इस बेंच से या इस पेड़ से? देखो ये होता है ऐसे लोनर्स के साथ। उस रात तूने अपनी टास्क नहीं की ना, इसलिए तेरी फिर रैगिंग होगी। मजा आएगा। रोशनी, उस रात समीर की बहुत रैगिंग हुई थी। इनफैक्ट वो जो सीनियर था उसका नाम क्या था, उसका नाम रोहित, रोहित नाम के सीनियर ने उसको थप्पड़ मारा था। अच्छा, आई कैन इमेजिन, मैं खुद एक बोर्डिंग स्कूल से हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि उस दिन समीर का क्या हाल हुआ होगा। न्यू बॉय, ज़्यादा दोस्त नहीं है, जानता नहीं है कोई, तो वो चुपचाप जाके सो गया होगा। और उस रात जब वो टॉयलेट जाने के लिए उठा, तुम्हारे सिवा और कोई तो था नहीं बाथरूम में। इसका मतलब यह निकलता है कि तुम दोनों में लड़ाई हुई और तुमने रोहित को मारा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने रोहित को नहीं मारा, प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए। एक तो गलती, ऊपर से झूठ। अगर रोहित को कोई सीरियस इंजरी हो गई तो गॉड हेल्प यू, मैं उसके ठीक होने का इंतजार करूंगा। उसकी कहानी भी तो सुन लो, फिर डिसाइड करूंगा कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देना है। लेकिन सर, गेट आउट। सर प्लीज, आई से गेट आउट। चलो आओ। तुम ये क्या कर रही हो बॉयज वॉशरूम में? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगी। तुम्हें पता है ना रोहित के साथ क्या हुआ? हाँ पता है, मैंने तो उसे मारा है। तुमने मारा है? क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें मारा, इसलिए। लेकिन कैसे, मैं तो यहीं था और मुझे तो तुम दिखाई नहीं दी। रोशनी की हकीकत देखकर समीर पूरी तरह डर गया था, और डरता भी क्यों नहीं
जिसे वो एक आम इंसान समझ रहा था, जब अचानक वो इंसान भूत की तरह गायब होता दिखाई दिया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोशनी से दूर रहने लगा। उसने रोशनी के बारे में पता लगाया, कौन थी रोशनी, कैसे मौत हुई थी उसकी, क्या समीर को इतनी आसानी से वो छोड़ पाएगी। क्या देख रहे हो समीर? तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो हमारी फ्रेंडशिप में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, अगर मैं मर चुकी हूँ तो क्या हुआ? क्या हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते पहले की तरह हमेशा? समीर वापस आ जाओ। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो समीर? मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, ताकि हम हमेशा के लिए साथ में रहें। डरो मत, मरने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी से ऐसे मारूंगी कि बिल्कुल डर नहीं होगा। बस चुटकी बजा दी, सब खत्म, और तुम मेरे साथ साथ मेरी दुनिया में। रुक जाओ समीर, रुको। कहाँ तक भागोगे? सर मुझे बचा लीजिए सर, रोशनी की आत्मा मेरे पीछे पड़ी है सर, प्लीज सर। सर रोहित पे भी उसी ने अटैक किया है सर। बस बहुत हो गया, अब ये लड़का कहानियां बना रहा है सर, और वो भी मेरी मरी हुई बेटी के बारे में। इसकी हिम्मत तो देखिए, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सर। अब आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। सच में अब तो इस लड़के ने हद पार कर ली। मैं तुम्हें 15 दिन का डिटेंशन देता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे फिर डिसाइड होगा क्या करना है। वो मुझे मार डालेगी सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। मधुर ले जाओ इसे। सर प्लीज मेरा नजर रखना इस पर। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मुझे मार डालेगी सर, प्लीज सर। डरो मत समीर, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। हम दोनों दोस्त हैं ना, मुझे दूर मत जाओ समीर। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे।
बचा दे दो प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगी। प्लीज कौन मार डालेगी? कौन मार डालेगी? कोई भी तो नहीं वहां पे। क्या हुआ? अब क्या नया तमाशा है तुम्हारा? समीर उठो। चलो समीर। सर समीर सच कह रहा है सर। क्या सच कह रहा है ये? क्या सही कहा है इसने? यही सर कि रोशनी अभी भी यही है और अब तो मधुर सर ने भी उसे देखा। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मेरी बेटी मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। उसने पहले रोहित पे अटैक किया, अब वो मुझे मारना चाहती है। पहले उसने मुझे बचाया। आपको याद है आप पूछ रहे थे उस दिन लाइब्रेरी में मेरे साथ कौन था? वो रोशनी ही थी सर। और उसके बाद हम लोग प्लेग्राउंड में भी मिले। उसने मुझे अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे सर। अच्छा, तो रोशनी और तुम बहुत अच्छे दोस्त बन गए? उसने बहुत सारी बातें बताई होंगी तुम्हें, तो तुम मुझे सिर्फ एक ऐसी बात बता दो जो उसने तुम्हें बताई हो। बोलो, चुप क्यों हो तुम? हाँ सर, उसने मुझे बताया था कि आप खुश थे कि वो बास्केटबॉल खेलती है, लेकिन उसकी मम्मी को पसंद नहीं था, फिर भी आपने उसे अलाउ किया और उसकी मम्मी को बिना बताए बास्केटबॉल खरीद के दी। वो बहुत खुश थी सर, उसने वो अपनी रेड बास्केटबॉल हमेशा संभाल के भी रखी। क्या हुआ सर? सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूं। उसकी मां ने सच कहा था, मुझे रोशनी को बास्केटबॉल नहीं दिलानी चाहिए थी। सारी गलती मेरी ही है। क्यों सर, आपकी कैसी गलती? वो 15 साल की थी, उस दिन छत पे बास्केटबॉल के साथ खेल रही थी और मैं भी उस दिन उसी के साथ था। रोशनी। हाँ पापा। बी केयरफुल, आगे मत जाओ। डरो मत पापा। रोशनी
रोशनी, रोशनी! I'm sorry, sir. सर, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप क्या करें, वो रोशनी से मारना चाहती है। अगर समीर सच कह रहा है तो हमें समीर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप लोग जाइए, मुझे इस लड़के के साथ अकेला छोड़ दीजिए। वक्त बहुत कम है हमारे पास। रोशनी, मेरी बात सुनो। रोशनी, इस लड़के को छोड़ दो। इसे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, सिर्फ एक ही तो दोस्त है मेरा, मैं इसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती। रोशनी, तुम्हारी मौत हाल ही में हुई है। आत्माओं के इस अद्भुत संसार के कानून को तुम नहीं समझ सकती। एक बार जिसकी मौत हो जाती है, वो फिर किसी मोहमाया के बंधन में नहीं पड़ सकता। रोशनी, तुम्हारा इस दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं है। छोड़ दो समीर को। नहीं, अगर किसी ने मुझे और समीर को अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं और समीर एक साथ रहेंगे, भले मैं उसके साथ इस दुनिया में रहूं या फिर वो मेरे साथ मेरी दुनिया में रहेगा। I command you in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost to depart! मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये मुझे मार देगी, रुको इसे, मेरे साथ चलो समीर। अभी इसका जाने का समय नहीं आया। Depart then transgressor, full of lies and cunning, false virtue, persecutor of the innocent. Give place, an abominable creature. Give way, you monster. Give way.
या रोशनी वापस चली गई? नहीं, बल्कि उसने समीर की जिंदगी को और भी ज्यादा नर्क बना दिया। क्या प्रेरणा रोशनी की क्रोधित आत्मा से बच पाएगी? क्या समीर और प्रेरणा के प्यार को तोड़ पाएगी रोशनी? क्या समीर को मारकर रोशनी अपनी दुनिया में ले जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे, और एक ऐसा चौंका देने वाले सच से आपका सामना होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। एक्चुअली असली कहानी अब शुरू होगी, देखना ना भूलिए। कहानी के अगले भाग के साथ मैं फिर आऊंगा, तब तक देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत